Hey guys, welcome to MG Beauty and Tips and here I am Manisha. So, Happy New Year. First, मैं कहना चाहूँगी मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी भूल गई थी एंड मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ बिकॉज यू नो वॉट मैं अपना फर्स्ट मेकअप लुक क्रिएट किया है आप लोगों के सामने एंड नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी वीडियोज़ की हैं सारी मेरी हॉल वीडियोज़ हैं मैंने आपको रिव्यू दी हैं ये पहनो ये सॉरी ये लगा लो वो लगा लो ये यूज़ करो वो यूज़ करो बट आज मैंने फर्स्ट मेकअप लुक क्रिएट किया है वो भी बिगनर्स के लिए ये मेरी बिगनर्स की थर्ड हाँ मेरी थर्ड वीडियो बिगनर्स की एंड सेकंड मैंने अपलोड कर दिया अगर आपने चेक नहीं की ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए उसमें चेकआउट कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना कभी मत भूलिए कीजिए क्योंकि जो सारे प्रोडक्ट्स लिंक्स होते हैं हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाया करेगी एंड मैंने बात करते हैं मेरी वीडियो की सॉरी मेरी लुक की तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है ब्लैक स्मोकी आई लुक आप लोग सोच होंगे बहुत लोग हैं इन्होंने क्रिएट किया है एंड मैं भी ऐसे कुछ लाई हूँ तो ये सबका अलग होता है थोड़ा मेरा भी देख लीजिए एंड मैंने ये पेयर किया है ब्लैक कुर्ते के संग जो मेरा फेवरेट कुर्ता है ब्लैक आई लव ब्लैक कलर मैंने आपको बताया था पहले भी या एंड मैंने झुमके से झुमके पहने हैं एंड ये मैंने एक ऐप से लिया था इलैनिक से आप चाहें तो उसे देख सकते हैं इलैनिक आप सोच रहे होंगे कौन सा ऐप है मैं आपको लिंक दे कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ एंड मैंने बैंगल से प्रेयर किया है आप इसे एक न्यू ईयर लुक भी कह सकते हैं जो मैंने न्यू ईयर के लिए क्रिएट किया है बिगनर्स के लिए क्रिएट किया है आप चाहे तो कुछ भी कह सकते हैं मेरा फर्स्ट मेकअप लुक भी कह सकते हैं सो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस ऑन माई एनी वीडियो आप मैं ना बिल्कुल मिस नहीं कर पाओगे सच बता रही हूँ एंड ज़्यादा बात नहीं करते सो लेट्स गेट स्टार्टेड मैंने कैसे ये लुक क्रिएट किया है भाई सो शुरू करते हैं सो फर्स्ट आई एम यूजिंग माई दिस बायोटिक सीरम हेयर इससे मैं अपने फेस को अच्छे से हाइड्रेट करूँगी इससे पहले मैंने अपने फेस पे टोनिंग कर ली है और स्क्रबिंग कर ली है लाइक आप अगर रोज़ रोज़ मेकअप करते हैं तो स्क्रबिंग ज़रूरी नहीं है बट आप कभी कभार मेकअप करते हैं तो यू शुड स्क्रब योर फेस फर्स्ट देन उसे टोन कीजिए टोनिंग कीजिए उस पर अच्छे से इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और अच्छा रहेगा स्टे सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना सीरम जिसको मैं अच्छे से अपने हाथ फिंगर पे वार्म अप करूँगी देन अप्लाई माई फेस ऑन माई फेस मैं अपने फेस को अच्छे से हाइड्रेट करूँगी लाइक मेरी आईज अंडर आए क्योंकि मेरे यहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मेरी नेक तक ले जाऊँगी इससे मैं देन इससे टैप डैप कर लूँगी इससे मेरे फेस पे जो सीरम है वो सेट हो जाएगा एंड इसे मैं कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दूँगी नाउ आई एम यूजिंग माय निविया क्रीम हेयर मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है गाइस और आप चाहे तो इसके लिए कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं मेरा फेवरेट ये है फेवरेट नहीं आप बोल सकते हैं विंटर में फेवरेट ये है क्योंकि मेरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है हाइड्रेट करता है और मेरा बिल्कुल फेस पे ऐसा नहीं लगता कि कोई ड्राइनेस है सो इसको लगाने के कुछ सेकंड्स बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे अपना हुडा ब्यूटी का प्राइमर मैं आपने अगर मेरी प्राइमर की वीडियो नहीं देखी ना तो जाके जल्दी से उसे देखो मैंने वहाँ पे अंडर 250 प्राइमर दिए हैं और उसमें से मैंने अपने यहाँ पे हुडा ब्यूटी का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ सो मैं यहाँ पे अपनी फिंगर टिप पर लूँगी लाइक दिस इतना सा अमाउंट लिया मैंने यहाँ पे दिख रहा है ज़रा इसको लगाने की मेरी वजह ये है क्योंकि ये मेरी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है ये ज़्यादा सिलिकॉन बेस्ड नहीं है और अच्छे से फेस पर लगा दीजिए इसे यहाँ पे आपके ओपन पोर्स हैं बिल्कुल आपके पोर्स को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देगा ये प्राइमर लगाना कभी मत भूलिएगा क्योंकि आपकी स्किन बहुत जल्दी इससे प्राइमर आप लगाना भूल गए ना तो समझ लीजिए आपका मेकअप बिल्कुल बेकार हो जाएगा ऊपर से आपकी स्किन बहुत बेकार हो जाएगी सो प्लीज़ प्राइमर हमेशा लगाइए सो यहाँ पे मैंने अपना फेस अच्छे से प्राइमर से प्राइम कर लिया है नेक्स्ट मूव ऑन सो नेक्स्ट मूव ऑन कंसीलर तो आई एम यूजिंग दिस कॉन्टोर सीरीज कॉन्टोर क्रीम सीरीज है
इसमें मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इतने सारे शेड्स हैं तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो मैं यहाँ पे शेड अपना ये यूज़ कर रही हूँ, इससे मैं अपनी अंडर आईज और मेरे जो कहीं भी मार्क्स हैं उन्हें कंसील कर लूँगी। आप चाहे तो फिंगर का यूज़ कर सकते हैं या ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग माई फिंगर टिप हियर। वन सेकेंड, मुझे जहाँ जहाँ अपने कंसील करना है फेस मैं उस जगह अपने कंसीलर लगा रही हूँ गाइस। सो मैंने अपना कंसीलर फेस पे लगा लिया है और मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से अपना अच्छे से ब्लेंड करूँगी इसे। सो नेक्स्ट मूव ऑन कॉम्पैक्ट, आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन न्यूयॉर्क सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट हेयर। अब मैं अपनी आई को अच्छे से बेक कर लूँगी जिससे वो एकदम क्रीज ना करे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपना जेनरिक का फाउंडेशन ब्रश, इससे आप फाउंडेशन पाउडर कुछ भी लगा सकते हैं। सो या आई एम यूजिंग दिस हेयर, अपनी आई को अच्छे से बेक कर लूँगी। एक्सेस पाउडर हमेशा रिमूव करके लगाइए जिससे आप अच्छे से बेकिंग कर सकें उस आई को। सो यहाँ पे अपना आई मेकअप पहले कर रही हूँ इसलिए मैंने कंसीलर पहले लगा लिया। आप चाहे तो स्किप करके कंसीलर बाद में भी लगा सकते हैं अगर आप आई मेकअप नहीं कर रहे तो। और इसको कुछ देर के लिए सेट होने के लिए, कुछ देर के लिए मीन्स कुछ सेकेंड्स के लिए सेट होने के लिए छोड़ दें। सो गाइस यहाँ पे मैं अपना यूज़ कर रही हूँ मीन आयो का आईब्रो पेंसिल और मैं अपनी आईब्रो को फिल इन करूँगी इन द शेड, ये मेरा ब्लैक है और मैं ब्लैक शेड इसलिए यूज़ कर रही हूँ, मेरे आईब्रो ब्लैक हैं। कुछ लोग डार्क ब्राउन यूज़ करते हैं तो आप सोचें तो आप कुछ डार्क ब्राउन एंड कुछ आईब्रो पाउडर्स आते हैं तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से जो मेरे गैप हैं उन्हें फिल इन कर लूँगी, बस हल्का हल्का हल्का, ज़्यादा डार्क मुझे नहीं करनी आईब्रो क्योंकि मेरे पहले से बहुत थिक थिक हैं। सो यहाँ पे मैं स्पूली की हेल्प से अपने आई को कॉम कर लूँगी एंड जो मेरी पेंसिल है वो ब्लेंड आउट हो जाएगी इजीली। सो ब्लेंड करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आपने पेंसिल लगा ली ब्लेंड करना भूल गए तो अजीब लगोगे। सो यहाँ पे मेरा हो चुका है। सो गाइज यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना आई L18 का काजल और आप लोग सोचे होंगे पागल होने वाली है, मतलब ये अपनी आईलेट पे सीधा लगा रही है। सो गाइज यहाँ पे मैं इसलिए लगा रही हूँ, अगर आपको स्मोकी आई में एक बेस चाहिए तो काजल यूज़ कीजिए, बेस्ट है, चाहे वो ब्लू हो ब्लैक हो कोई सी भी स्मोकी आई हो। तो यहाँ पे अपना L18 का काजल यूज़ कर रही हूँ एंड अपनी आईलेट पे लगा लिया है एंड अपने फिंगर से इसे ब्लेंड आउट करूँगी। इसे मैं किसी ब्रश से ब्लेंड आउट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है एंड ब्लेंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है, तो फिंगर इज़ द बेस्ट टिप कि आप इसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लें। एंड लुक एट दिस, मैंने थोड़ा सा और अच्छे से ब्लेंड 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 कर लिया है। सो मैं अपनी नेक्स्ट आई पे ब्लेंड करूँगी। सो मैं अपनी दोनों आई को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी उस काजल को, बिल्कुल कोई हार्श लाइन बिल्कुल ना रहे उसमें एंड हो। सो गाइस यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना मास्क का आई शेडो पैलेट एंड यहाँ पे ले रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश नेक का, आप लोगों ने देखा होगा जो ब्रश सेट दिखाया था उसमें। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना यहाँ ब्लैक आई शेडो मैट का एंड मैं अपनी आईलिड पे प्लेस करूँगी बिकॉज अगर हम कोई क्रीमी चीज़ लगाते हैं तो उसे सेट करना ज़रूरी है, क्रीज कर जाती है। तो यहाँ मैंने अपना काजल स्मच कर लिया था उसके ऊपर मैं ब्लैक आई शेडो लगाऊंगी और मैट है एंड अच्छे से उसे ब्लेंड आउट करूंगी जिससे वो क्रीज नहीं होगी एंड वो अच्छे से सेट हो जाओगी हो जाएगी। सो आप अच्छे से इसे ब्लेंड आउट कर लीजिए एंड बस ये आपके आईलिड पे ही रहे, ऊपर क्रीज लाइन के ऊपर ना जाए। सो ब्लेंड 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 एंड डस्ट ऑफ करके कीजिए वरना फॉल आउट होगा एंड आपके फेस पे जो मेकअप है उसे भी बर्बाद कर देगा। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से ये ब्लेंड आउट कर लिया है, ब्लेंड 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 हो चुका है मेरा ब्लेंड। सो मैं दूसरा ब्रश लूँगी एंड यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश है ये भी
एंड यहाँ से मैं अपने आई शेडो में से ये डार्क ब्राउन शेड लूँगी एंड ये अपनी क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, या बोले आप बफ कर लो से। सो या ये मेरे को उसके ऊपर नहीं रखना, बस ये मुझे अपनी क्रीज लाइन पे एक ट्रांजिशन शेड देना है जिससे मेरा स्मोकी आई लुक अच्छा लगे एंड खाली ब्लैक ब्लैक की जगह हल्का सा ब्लैक ब्राउन हो जाए। ये दिखने में बहुत प्यारा लगता है। और देखो मैंने अपने सामने पूरा आई शेडो पैलेट रख लिया, आप लोगों को मेरा फेस ही नहीं दिख रहा। सो या यहाँ पे देखिए मैं प्लीज़ डस्ट ऑफ करके हमेशा यूज़ करिए आई शेडो पैलेट, सॉरी आई शेडो नहीं आई शेडो पाउडर, आप जब भी यूज़ करें उसे डस्ट ऑफ कर लें। सो या यहाँ पे हटाओ यार, हाँ देखिए अच्छे से उसे ब्लेंड आउट कर लीजिए, मैं कुछ ज़्यादा फेस पे ये रख रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने ब्लेंड आउट कर लिया एंड डेट्स फिनिश। सो गाइस यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपने आई शेडो पैलेट में से गोल्डन शेड जिसे मैं अपनी फिंगर टिप पे लूँगी एंड अपनी आईलिड पे प्लेस करूँगी। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा करना, अगर आप स्मोकी काइंड लुक क्रिएट कर रहे हैं एंड इसमें थोड़ा सा अलग ट्विस्ट देना है तो इसमें आप गोल्डन या सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा गोल्डन शेड से थोड़ा कुर्ते में है इसलिए मैं यहाँ पे गोल्डन यूज़ कर रही हूँ, अगर आपका सिल्वर है तो सिल्वर कर लीजिए। तो हो गया ना एक में से दो दो, तो या ये मेरे एक स्मोकी लुक को एक अच्छे से डिफाइन करेगा, एक अच्छे से लुक देगा एंड बस इसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर दीजिए। सो यहाँ पे मेरे स्मोकी आई लुक क्रिएट हो चुका है। सो गाइस यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपने लैक्मे का इनविजिबल फाउंडेशन एंड मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दिखा चुकी हूँ, इसमें स्पैटुला है तो इसके लगा लीजिए, अगर ना हो तो आप डॉट डॉट करके अपने फेस पे अच्छे से लगा सकते हैं। सीधे फाउंडेशन फेस पे नहीं लगाना चाहिए, अच्छे से डॉट डॉट करके फेस पे फाउंडेशन लगाना चाहिए, इससे अच्छे से वो ब्लेंड हो जाती है एंड अच्छे से होती है बस। और यहाँ पे मैं अपनी नेक भी नहीं छोड़ूंगी, एक्चुअली मेरे बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस टाइम मेरे फेस पे, तो या एंड मैं अपनी नेक पे भी अच्छे से फाउंडेशन लगा लूँगी। गाइस कभी आपका फेस और नेक का कलर अलग हो तो बिल्कुल ऑड लगता है, सबको पता चल जाता है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना ब्यूटी ब्लेंडर पूना स्टोर का, बहुत जाना माना है एंड मेरा फेवरेट ये ब्लेंडर है, बहुत सॉफ्ट है एंड अच्छे से ब्लेंड आउट कर देता है आपके फेस को, पता नहीं चलता कि आपने फाउंडेशन लगा दी है एंड ब्लेंड 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 अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए बस। यही मेन काम होता है आपके मेकअप में, आपका अगर फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड आउट हो गया तो बस आपका मेकअप आधा तो इसमें ही हो जाता है। सो मैं अच्छे से नेक को भी ब्लेंड आउट कर लूँगी, मैं आई एरिया भी कवर कर लूँगी अपना एंड अपने माउथ का एरिया कवर कर लूँगी, वहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अंडर द आई। सो या मैंने यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है एंड या सो यहाँ पे मैं अपना ले रही हूँ मेबेलिन का न्यूयॉर्क सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर जिसे मैं फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। गाइस आप लोगों को पता हो या नहीं मैं बता देती हूँ, जब यह फाउंडेशन लगाए तो प्लीज़ अपने फेस को अच्छे से सेट कर लीजिए कॉम्पैक्ट पाउडर से, ऐसा नहीं है कि आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे तो भूत लगते हैं दैट कुछ भी, आप फेस पे हमेशा फाउंडेशन लगाएं तो कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से सेट कर लें जिससे आपका फेस क्रीज ना करे एंड मेरा अच्छे से हो चुका है। देन यहाँ पे मैं ले रही हूँ कॉन्टोर ब्रश अपने जेनरिक ब्रांड से कॉन्टोर ब्रश ले रही हूँ एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना आई शेडो पैलेट जिसमें मैं एक डार्क ब्राउन शेड लूँगी और अपने कॉन्टोर करूँगी चिक्स को। सो या डस्ट आउट करके मैं अपने फेस पे अच्छे से पाउडर बना के कॉन्टोर करूँगी, अगर पाउडर बनाते हैं तो एक लाइन बन जाती है एंड बस उसे कॉन्टोर कर लीजिए एंड अच्छे से ब्लेंड आउट कर लीजिए। ये आपके फेस को कॉन्टोर शार्प भी दिखाता है एंड अच्छे से डिफाइन दिखाता है एंड जिसके फेस थोड़ा चबली बबली टाइप का होता है ना तो थोड़ा सा उन्हें पतला पतला कर देता है। सो यहाँ पे मैं अपने जॉ लाइन भी कॉन्टोर करूँगी, जिसकी डबल चिन प्रॉब्लम है वो इसे यूज़ कर सकते हैं एंड नहीं है तो भाई कोई बात ही नहीं है। सो या मैंने यहाँ पे अपनी जॉ लाइन भी कॉन्टोर कर ली है, सो हो चुका है मेरा कॉन्टोर यहाँ पे। देन मैं एक छोटा ब्रश लूँगी एंड मैं अपनी नोज़ कॉन्टोर करूँगी, जिसकी नोज़ थोड़ी बड़ी होती है ना वो कॉन्टोर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बस हल्का सा अपनी नोज़ को कॉन्टोर करूँगी एंड थोड़ी हाईलाइट भी हो जाती है इससे नोज़। सो या सो मैं इसे ब्लेंड आउट कर लूँगी अच्छे से डस्ट ऑफ करके एंड मैंने इसे। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना चिक ब्लशर ब्लू हेवन का जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखा चुकी आपको एंड यहाँ पे जेनरिक का ब्रश लिया है मैंने ब्लशर ब्रश एंड इसका पिंक कलर देखिए गाइस बहुत शिमरी है एंड फेस पे एक अलग सा ग्लो देता है एंड विंटर में तो ब्लश की क्या कहने,
आप विंटर में अगर पिंक पिंक चिक देखते हैं ना तो मस्त लगते हैं। सो यहाँ पे देखिए मेरे पिंक पिंक चिक्स यहाँ पे कितने प्यारे लग रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे अपना ब्लश अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ज़्यादा ब्लश नहीं लाऊंगी, बस दिखता रहे। सो यहाँ पे मैं अपना ले रही हूँ मैक का शिमर ब्रिक रोल ऑन, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया होगा। तो इसे मैं अपनी नोज़ पे लगाऊंगी, चिक बोन पे लगाऊंगी, क्यूपिड बोन पे लगाऊंगी, अंडर द चिन, एंड फिर मैं इसे अपनी एक फैन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड आउट कर लूँगी। गाइज हाईलाइटर कभी भी इसकी मत कीजिए, आपकी फेस को थोड़ा और डिफाइन करता है, हाईलाइट करता है, एंड आई लव हाईलाइटर। सो या मैंने यहाँ पे अपना हाईलाइटर अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है, एंड आप शाइन देख रहे हैं यहाँ पे मेरे फेस पे। सो या सो गाइस यहाँ पे मैं ले रही हूँ आईलाइनर की अपना म्यूजिक फ्लावर जेल का लाइनर आईलाइनर। ये जेल लाइनर है, आप समर वाटर दोनों सॉरी समर विंटर दोनों में भी लगा सकते हैं। ये वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, एंड बिल्कुल हटता नहीं है। तो मैं जेल लाइनर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इसके संग दो दो ब्रश मिलते हैं, एंड दोनों ही बहुत मस्त हैं। आप इजीली उनसे आईलाइनर अपना लगा सकते हैं, आपको अलग से ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे अपनी आईलाइनर लगा लिया है। मैं यहाँ पे ज़्यादा ड्रामेटिक आई लुक क्रिएट नहीं कर रही, तो मैं हल्का सा लाइनर लगाऊंगी, दैट्स इट। मैं अपनी दोनों आई पे यहाँ पे आईलाइनर लगा लूँगी, मुझे कंप्लीट करना है, मेरा आईलाइनर हो चुका है। अपना L18 का काजल जिसे मैं अपनी आईलिड पे लगाऊंगी, सॉरी आईलाइन पे लगाऊंगी, देन मैं काजल लगा लेती हूँ। देखो काजल लगाने का क्या फ़ायदा है, स्मोकी आई बनाते हो ना तो आँखों पे काजल आपकी आँखें बड़ी बड़ी दिखाता है, दूसरी आपकी आँखें प्यारी लगती हैं, एंड तीसरी काजल का हर लड़की को पसंद है। तो काजल कभी भी स्किप मत कीजिए अगर आपको पसंद है तो। सो यहाँ पे मैं एक स्मजर ब्रश से अपने नीचे का काजल स्मच कर लूँगी, जो मेरा स्मोकी काइंड लुक देगा आँखों के नीचे मेरे, ऊपर तो हो चुका है। सो नीचे यहाँ पे स्मोकी आई सीक्रेट्स हो जाएंगी। मैंने अच्छे से स्मच कर लिया है, हु सो या दैट्स इट। अब इसके बाद मैं लूँगी अपने आई शेडो पैलेट में से यहाँ पे ये गोल्डन शेड जो मैंने अपने आईलिड पे लगाया था, अब मैं उसे अपने इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा इनर कॉर्नर पे, बस दैट्स इट। आपको ज़्यादा नहीं लगाना, बस आपको दिखाना है कि आपके इनर कॉर्नर पे आपका लग रहा है, एंड माय आई शेडो इज़ कम्प्लीट। सो गाइस यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना कलर जिससे मैं अपने आईलैशेस कर्ल करूँगी, जिससे मेरे आईलैशेस लॉन्ग लॉन्ग दिखें एंड अच्छी दिखें। एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ, हो चुकी हैं शायद, हाँ मेरी आईलैशेस लॉन्ग लॉन्ग हो चुकी हैं। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपनी फॉल्सी आई, सो यहाँ पे मैं नेट की फॉल्सी यूज़ कर रही हूँ जिससे मैं आईलैशेस पे लगाऊँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने यूज़ किया अपना ब्लू हेवन का मस्कारा अपने आईलैश को कर्ल करने के लिए, एंड मैंने फॉल्सी लगा ली है यहाँ पे। एंड लिप शेड के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपनी NYBK लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड इट्स वेलवेटी अंडर द ग्राउंड, एंड ये न्यू शेड है गाइस। सो दिस इज़ माय फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने सेटिंग स्प्रे भी लगाया था, बट गाइस मेरी क्लिप ब्लीड हो गई गलती से, तो मैं उसे नहीं ऐड कर सकी। और ये वाला पार्ट मेरा फेवरेट है, ये सब करा था, आए हाय मज़ा आ जाता है। सो यहाँ पे हो चुका है मेरा लुक। यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर का शिमर आई शेडो लगाया है जो मेरे ब्लैक कलर की कुर्ती पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड यहाँ पे मैंने न्यूड लिपस्टिक लगाई है। सो आप चाहें तो इसमें थोड़ी ब्राइट लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, मुझे न्यूड शेड ज़्यादा पसंद है तो आई प्रेफर, मैंने न्यूड लगाया। और गाइस आई एम टोटली नर्वस हियर, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही थी उस टाइम, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, फर्स्ट वीडियो थी मेरी, वो मेकअप लुक क्रिएट करना आप लोगों के सामने खुद कलर के लिए। बट आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे ना तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिएगा, जितनी वीडियो देखोगे ना उतने मेरे वीडियो पर लाइक आते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी है वीडियो, बुरे अच्छे जैसे भी हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, जिससे मुझे एडवाइस मिलती है, एंड एडवाइस लेना तो अच्छा है ना, तो प्लीज़ इसे कमेंट करना मत भूलिएगा। एक बात मैं भूल गई थी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे FB पेज पे भी, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो पहले भी बोल दिया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर से इसे लाइक कर लेना, कुछ ज़्यादा ही लाइक मांग रही हूँ ना यार, न्यू ईयर है कुछ तो बनता है मेरा। सो मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।